मिशन 2019 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस और एनसीपी के नेता ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं के पैदावार है। उन्होंने जनता से कहा कि अब आपको तय करना है कि आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए या फिर भ्रष्टाचारी नामदार। हिंदुस्तान के हीरो को आपको जरूरत है या फिर पाकिस्तान के पैरवीकारों की। उन्होंने जनता से सोच समझकर वोट करने की भी अपील की। उच्च देऊन सत्कार करण्यात येत आहे। सर्व मान्यवरांना विनंती करतो।